मेरी किटी की थीम है पूल पार्टी। ये गेम का नाम है ये कौन बोला। ये कौन बोला? अच्छा ठीक है। पूजा, why do you always behave अब समझ तो मेरे को आ ही गया था, बट ये है कि मैं क्या रिप्लाई करती मैं, और मैंने रिस्पॉन्ड नहीं करा तो इसलिए तो मुझे ऐसे लिख रही है। अच्छा, coming back to the last question, are you girls ready? Yes. Are you girls ready for this? जैसे ही मैंने प्रगति की चिट निकाली, मैंने और प्रगति ने एक दूसरे को देखा, उसने आंखों ही आंखों में एक स्माइल किया, मुझे एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया कि ठीक है मान्या, गो फॉर इट। ये है आज का सवाल पूजा के लिए। पूजा, व्हाई डिड यू कंपेयर अस विद एनिमल्स? बाबा रे, ये कब किया तूने? अल्ले या दिस इज समथिंग, ये किसने पूछा है? What is this यार? ये किसने पूछा है? किसने पूछा ये और क्यों किया तूने ऐसा? ये परी ने पूछा है। गेम ओवर। पूजा दीपशिखा को देख रही है, दीपशिखा पूजा को कुछ तो इशारे कर रही है, पूजा इज ऑल अनकंफर्टेबल, उसका चेहरा लाल हो जाता है। दीपशिखा का मुंह जैसे उसने किसी सांप को देख लिया है, उसकी आंखें बाहर आ गई, वो शॉक्ड थी। ऐसा नहीं किया डार्लिंग मैंने। अब मजा आ रहा था, अब एक्चुअली मजा आ रहा था। पूजा तू तो गयो, जैसी परी ने ऐसे करके पूछा, पूजा बताओ क्यों कंपेयर किया? एंड शी वाज स्पीचलेस। जानबूझ के कुछ नहीं करा। हो गया। अच्छा, ऐसी चीजें कैसे हो जाती है? नहीं करा डार्लिंग, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करा। सीरियसली पक्का? पूजा इज वेरी एम्बैरेस्ड, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे हैंडल करे, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक किटी में इसके बारे में ये खुलासा होगा। पूजा ने सीधा सीधा डिनाई कर दिया। तो फिर ये बात कहाँ से उठी? अच्छा, पहले बात, ये क्वेश्चन किसने पूछा? मैंने। अच्छा, क्योंकि मुझे इसने बताया था इसके डॉगी का बर्थडे था। मैंने अकेले नहीं बोला, दीपशिखा भी मेरे साथ थी उस समय। दीपशिखा भी चुप रही, वो बोली नहीं कि हम दोनों साथ थे उस समय। और सेकंड, मेरा ऐसे इंटेंशन नहीं थे, हमने तो फन वे में और हेल्दी वे में ही मजाक किया है। किसी के साथ अगर बोला था? नहीं नहीं, मैं तो उस बेचारी की तरफ देख रही थी। बेचारी नहीं, फ्रेंड नहीं, फ्रेंड्स हैं यार, आपस में क्या हो गया? वी आर अ फैमिली ग्रुप, यू नो व्हाट, वी शुड नो व्हाट इज द लाइन। थोड़ा सा मुझे ऑड लगा कि भाई किटीज में मैं भी जाती रही हूँ, बट ऐसा नहीं देखा था कि इतना इस लेवल तक आप किसी को ह्यूमिलेट कर सकते हो कि तुमने बोला। सबने एक यू नो जिद पकड़ ली है कि हम तो इसको आज पूरा ह्यूमिलेट करके ही जाएंगे। ठीक है, अगर हुआ बात, कुछ हुई है तो हंसी मजाक में लेके आप खत्म कर सकते थे, बट उनको मजा आता है मेरे को लगता है, यू नो, लड़ाइयाँ करने में और लोगों से पंगे लेने में। तो मैं थोड़ी सी अनॉयड हो गई थी कि क्यों, किस लिए। सुन बेबी, इस तरह से नहीं अपना दिल छोटा करते। अरे मैंने नहीं दिल छोटा कर ली डार्लिंग, मैं बुरा लगा, ठीक है मैंने क्लियर कर दी। पूजा तू चल पूल में। ठीक है यार, जो गलत है इसमें क्या, नहीं करना चाहिए बात खत्म। देखो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला, बट तूने मेरे को कैसे बोला ये बात अभी। प्रगति स्टार्टेड शाउटिंग लाइक एनीथिंग, एंड प्रगति भी थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर गई थी, बेचारा बच्चा था, मतलब छोड़ देती बच्चे को। नहीं भाई, गॉड क्या उसकी करी, सॉरी क्या बोला मैंने कि वो बात तो क्लियर होने बोला ना, तो जब फिर वैसे भी वो सब हेल्दी वे में ही था, फन वे यार। हेल्दी वे में डॉग एनिमल्स के साथ रिलेट नहीं करते ह्यूमंस को, ह्यूमन को ह्यूमन से कर दो, इट्स ओके। लड़ाई सिर्फ ये कि हमें जानवर के साथ कंपेयर कर दिया, मतलब रियली आप स्कूल जाते हुए बच्चे हो, अगर कंपेयर कर भी दिया तो यू नो जानवर को प्रॉब्लम होनी चाहिए, आपको नहीं। क्या करें, बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत नाजुक सी हैं दिल्ली डार्लिंग्स, उनको बहुत हर्ट कर जाती हैं सारी चीज़ें, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इंसान के साथ हो जाती हैं, मतलब वो सब बेकार हैं, मतलब किसी ने हमें एनिमल्स के साथ कंपेयर कर दिया, उनके लिए ये मेन मुद्दा है टेंशन का। हेलो, वो कह रही है मैंने हेल्दी वे में किया था। अरे बेबी, नोबडी इज बाइंडिंग इट, वी आर ऑल जॉइन, तुम क्वेश्चंस में क्यों पूछ रहे हो यार?
रखती, एकदम से गुस्से में आ गई, एकदम शाउट करने लग गई। और उस समय तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारे लोग ही इन्वॉल्व्ड हैं, एकदम से रश्मि भी पीछे बैठी हुई थी, वो भी एकदम उठ के आगे आ गई और वो भी बोलने लग गई। मुझे लगा कि एकदम से सब लोग एक साइड हो गए और मैं अकेली हो गई हूँ। और उस समय मतलब भी बहुत बहुत बुरा लगा। ये ऐसे गेम नहीं खेल, कभी भी ना खेल। हाँ यार, यार, अगर मेरे पे बात आई तो मैं भी बोलूंगी ना, मेरे को बोला गया था ये लिखने के लिए, मैंने लिख दिया, सॉरी यार परी, चिल यार, नो वाई चिल। ये वाकई में गेम लग रही है मुझे जो मेरे लिए प्लान करी गई कि परी को ही आगे फंसा दो, परी को ही बुरा बना दो और पूजा और परी की लड़ाई करा दो। अब मेरे को पूजा बार बार बोलती रही कि परी तेरे को तो रिलेट ही नहीं करा, फिर भी मैंने इन सबका साथ दिया और मैंने सबके लिए बोला, मुझे रिलेट नहीं किया बट मेरी फ्रेंड्स को तो रिलेट किया, मैं उनके लिए स्टैंड हुई। और आज क्या हुआ, मेरे को ही बुरा बना दिया सबने। अब मैं मान्या से जरूर बात करूंगी और उसको ये चीज थोड़ी सी हिंट हो चुकी है कि आई एम अपसेट विद हर नाउ। ये गेम्स ये नहीं खेलनी। नहीं, मुझे नहीं खेलना। नहीं यार, ये थोड़ी गेम सुनो, जो बात हुई नहीं है उसे क्यों, कुछ हुआ भी नहीं है और दीक्षा बेची नहीं, ऐसे नहीं होता ना यार, ऐसे थोड़ी होता है। मेरी किट्टी एकदम अमेजिंग जा रही थी अभी तक, प्रगति के इस सवाल का जवाब जानने के चक्कर में एक ब्लैक स्पॉट लग गया मेरी किट्टी में। तू मुझे बता कि बात हुई, कुछ भी नहीं हुई डार्लिंग, कुछ भी नहीं हुई, हेल्दी वे में। अब मैं, मेरा चेस्टर है वो कितना क्यूट है, कोई एनिमल्स की बुरी चीज होती है क्या? आई फील पूजा को डिनायल मोड पे नहीं जाना चाहिए था, सिंपली कह देती यार कि मेरे से ऐसे बोल दिया गया है, एंड आई टेक माय वर्ड्स बैक। यार एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कुछ गलत बोलूंगी तुम्हें कॉल करके बताऊंगी, हां भाई मैं तुमको कुत्ता बोल रही हूं, बिल्ली बोल रही हूं, इज इट पॉसिबल? लेट्स नॉट गेट कैरिड अवे। काफी कंट्रोल करा कि मैं ना रहूं, मैं मान्या की पार्टी खराब नहीं करना चाहती, बट मैं रो ही नहीं पाई, फिर मैं रो पड़ी। पूजा, you don't have to be like this. पूजा बेचारी रोने लगी, बड़ा स्यापा हुआ वहां पर आज। ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूं इस किट्टी के बारे में तो 50-50 है, आई थिंक दे नीड टू ग्रो अप। प्लीज डोंट कैप्चर दिस यार, प्लीज ये कैप्चर मत करो यार, मुझे पता है बड़ी है। प्लीज शी इज क्राइंग। पूजा पानी, नीड टू क्राई पानी ले, पानी क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैटर है ये लाइफ का आपकी। जो फुट 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 के वो रोई, बहुत ज्यादा रोई, ऐसे इतना आप कैसे रो लेती हो बिना ग्लिसरीन के? दिस इज नॉट डन, यूज योर कॉमन सेंस, यू कैनॉट डू दिस, दिस इज नॉट फनी एट ऑल। और अब कर दिया तो एडमिट करो, उसके बाद रो के अपने आप को कवर अप कर रहे हो, नॉट डन। तो जब किया है तो रोना भी चाहिए, कोई बात नहीं। तो हमने आराम से, मैंने कहा चलो सेल्फीज लेते हैं, और हमने सेल्फीज ली, हमारी फोटोज बड़ी अच्छी आई हैं वो वाली। एक तरफ मैं इन लोग को शांत करा रही थी, दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ लोग सेल्फियाँ ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। आई वॉज लाइक वॉट इज गोइंग ऑन हियर यार, ये रो रही है, किसी को परवाह नहीं है उसकी। मान्या ने तो बहुत ही मनाया जैसे पूजा को, कि जैसे पता नहीं उसकी बेस्ट फ्रेंड है, क्या हो गया एकदम से, अरे गेम भी तुम खुद खिलाते हो, उसके बाद तुम मतलब मेरे को बुरा बना के खुद ही मनाने निकल गए उसको। मेरे को बिल्कुल, मेरे को बहुत कंफ्यूजन है, मेरे को बिल्कुल ना कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा, आज मुझे डाउट हो गया। यहाँ किसी की कोई बेइज्जती नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं है। पूजा इसे चौक पे जाओ। ओह माय गॉड, पूजा पूजा फुटेज मिल गया, सही में मुझे नहीं चाहिए फुटेज। कई लोग बोल रहे हैं हाँ पूजा फुटेज लेने के लिए रो रही है, जबकि सबको पता है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ। पता नहीं कैसे लोग हैं, मतलब किसी के इमोशन की यहाँ पे कोई कदर ही नहीं है। जो पूजा के आंसू हैं उसने मुझे लगता है कि पूरे जो दिल्ली डार्लिंग्स का माहौल है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है, डायनामिक्स बदल गए हैं। प्रगति, आई डोंट नो व्हाई यू आर अपसेट विद मी, या तुम मेरे से क्यों गुस्सा हो रही हो, मैंने तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की यार। कुछ भी हो, नाम मेरा खराब हुआ कि मान्या की किट्टी ठीक नहीं थी, मान्या की किट्टी में पूजा रोई थी, मान्या की किट्टी में प्रगति गुस्सा हुई थी, ये मान्या का किट्टी वर्ड पता नहीं मुझे कितनी बार सुनना पड़ेगा और लोग क्या क्या नहीं बोलेंगे। खैर एनीवेज, आई डोंट नो तुम क्यों गुस्सा हो और ये मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज तुम मेरी दोस्त हो। मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने वाली हूँ, और जब मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया है तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे से क्यों गुस्सा हो। उसके बाद में हम लोगों को लगा कि अब हमें किट्टी निकाल लेनी चाहिए, इट इज हाई टाइम। पूजा आ जा, तेरी किट्टी निकल गई, इसका ये मतलब नहीं है कि तू आ खड़ी होएगी। She moving like Rush me. मतलब रश्मि ने तो टीम का सोचो ठीक क्या होने वाली है। हां किट्टी निकाली और शी वाज लकी फॉर मी एंड आई एम ग्लैड आई वेंट, क्योंकि किट्टी मेरी निकली। सो आई एम नाउ रियली रियली एक्साइटेड कि मैं नेक्स्ट किट्टी के लिए क्या थीम रखूं जो सब लोग इंजॉय करें और सब लोग खुश हों। आज मैं तलाश में निकली हूँ
लेकिन आज मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, पता नहीं दोनों कहाँ पर है, कहाँ चले गए, आज क्यों नहीं नजर आ रहे। अरे यहीं पे तो होते हैं यार, आज तो है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडेज एंड संडेज मैं काले कुत्तों को दूध पिलाती हूँ। यहाँ भी नहीं है, अब क्या करूँ। मेरे जो पंडित हैं उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है, और मैंने एक्चुअली में नोटिस करा है कि मेरे साथ अच्छा ही होता आया है जब से मैंने ये एक्टिविटीज शुरू करी हैं अपनी लाइफ में। यहाँ भी नहीं है, दूध खराब हो जाएगा, इतनी देर हो गई, अब तो ये दूध तो मुझे पिलाना ही है, चाहे मुझे कितनी दूर क्यों ना जाना पड़े, मैं कि मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि मेरे को बहुत वहम आता है अगर ये मैं रिचुअल नहीं करूँ ना तो सीरियसली मैं बहुत बेचैन रहूंगी। चाहे लोग जो भी बोले, चाहे दुनिया मुझ पे हंसे, बोले कि ये क्या कर रही है, मैं इन सब चीजों के बारे में ना मैं कभी सोचा है ना मैं कभी सोचूंगी। मैं जो भी करती हूँ मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपने पीस ऑफ माइंड और अपने करियर के लिए करती हूँ। अरे ये रहा, इधर छुपा हुआ था। हाँ फाइनली मिल गया। जब से ये सब चीजें मैं फॉलो कर रही हूँ, डॉग को मिल्क देना और शनि मंदिर जाना, तब से मैंने हमेशा अपने आप को एक स्टेप आगे पाया है करियर को लेकर। आई रियली होप सब लाइफ में धीरे धीरे सब ठीक हो जाए और सब पॉजिटिव हो मेरे लिए। मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि मुझे समझ आ गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यू आर नॉट द सेम प्रगति। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मेरी दोस्त मुझसे गुस्सा है, वो अपसेट है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था एंड आई वांटेड टू नो कि क्या रीजन है जिस वजह से वो इतनी बुरा फील कर रही है या अपसेट फील कर रही है। मेरा मूड बहुत खराब है तेरी किट्टी के बाद, तो मेरा मूड एकदम ऑफ हो चुका है। बिकॉज नो डाउट मेरी किट्टी थी, तूने हेल्प करी, बहुत अच्छा लगा, बट तेरी किट्टी में मैंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी ना हेल्प की। बट मुझे क्यों फंसाया, मुझे मोहरा क्यों बनाया गया। क्या मोहरा बनाया तुझे बता। यहाँ आते ही तो भाई गंगा उल्टी बहने लग गई। She started by blaming me कि उसको फसाया गया है। What the hell यार? I was shocked. जब मुझे पूजा ने बताया था कि हमें एनिमल से रिलेट किया गया है। बिल्कुल। देख एक तो मुझे रिलेट भी नहीं किया था, मैं अपसेट क्यों हुई बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स, राइट। बट मुझे क्या मिला, सारे पतली गली से ऐसे ऐसे करके निकल गए। ये क्वेश्चन का आंसर उनको चाहिए था, मुझे नहीं चाहिए था, मेरे को तो रिलेट भी नहीं किया। तो मैं सबसे बड़ी पागल बनी कि मैंने अपने फ्रेंड्स का साथ दिया और मुझे नहीं देना चाहिए था। एक्चुअली में सबके रिलेट किया था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बट वहाँ पे मीटिंग पे जब मैंने बुलाया था तो सबको कितना फर्क पड़ा था। एक ऐसा गेम बनाएंगे जिसमें हम सब एक चिट पे एक दूसरे के बारे में लिखेंगे, तो उसमें लिखियो पूजा व्हाई द हेल डिड यू कंपेयर अस टू एनिमल्स, और तेरी चिट में सबसे लास्ट में पर वो तो समझ जाएगी कि परी को ही बताया उसने। सर यार वो उसके मुंह से निकलने दे ना। देख अगर वहां पे दीपशिखा और पूजा ने कुछ बोला मुझे, फिर तुझे आगे कर दूंगी मैं। तू मुझे ट्रस्ट करती है? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। तो ये मेरी गारंटी परी, तेरे को कुछ नहीं होने देगी। दे विल बी आउट ऑफ द किटी देन। बिल्कुल। सो उस टाइम क्यों नहीं रिएक्ट किया जब वो गेम खुली? मेरे को उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आया कि मेरे को फंसा रही है यार तू। मैंने किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया था। आई वॉज लाइक मान्या काम डाउन, गुस्सा मत हो। वो मुझे ब्लेम कर रही है कि मैंने उसको फंसाया है। तुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुझे फंसाया? हाँ। यू आर माई फ्रेंड यार, तू खुद सोच, मैं कोई मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारूंगी। यू आर दी ओनली पर्सन हु मैटर्स टू मी। तो क्यों किया? मैंने तुझसे पूछा कि ये गेम खेलना है। तू क्वेश्चन पूछ रही थी, तूने क्यों नहीं पूछा? उस समय फुटबॉल में क्यों नहीं ऐसा बोला तूने? मान्या दिस इज अ बैड आइडिया, आई विल नॉट डू इट। एक मिनट, एक सेकंड। जब वहाँ पे पूल पे गेम ही बदल गई थी। कोई गेम नहीं बदली, बिल्कुल बदली थी। लिखना नहीं था हम लोगों को, तो तूने क्यों लिखा? पेन तेरे पास था, पेपर तेरे पास था, नहीं लिखती? हाँ बड़ी गलती हो गई मेरे से एक्चुअली, क्योंकि मेरे को तुम लोगों का साथ देना ही नहीं चाहिए था। कोई दोस्त नहीं होता किसी का।
मान्या फिर कुछ मैन्युपुलेशन कर रही है और कुछ गेम्स चल रही हैं जो कि हो सकता है वो शुरू से मेरे साथ प्ले कर रही थी, जो कि मुझे नहीं पता लगा और मैं उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मान के चली। अगर ये दोस्ती नहीं होती ना बेबी, तो मैं अपनी किट्टी में तेरी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रही होती। मेरी प्रॉब्लम नहीं है वो, मान्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। नो, अरे यार तुम कोई छोटे बच्चे हो क्या? पहले तुम बोलते हो कि पूजा ने मुझे कॉल किया और मान्या तू प्लीज कुछ कर अपनी किट्टी में, और तुम इल्जाम मेरे पे लगा रही हो। आर यू सीरियस? व्हाट इज रॉन्ग विद यू यार? मतलब भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा यहाँ पे। बेबी देख, इसके ना दो रास्ते हैं, या तो तू इसके ऊपर क्रिब मार, मुझे फंसा दिया, मुझे मेरे साथ ये कर दिया, मुझे विक्टिम बना दिया, या दूसरा है लेट्स मूव अहेड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट यू शुड रियलाइज इट ना, देन वी कैन मूव अहेड, राइट? There is nothing to realize because I did not do anything wrong. I will repeat myself. चल ठीक है, fine. Let's stop it. Then there's no point discussing. If you think I am the villain, if you think it is my fault, it is totally yours. I am upset only because कि तू किसी और को slip दे देती, मेरे को क्यों दी? Okay, you know what? I don't want to explain anything because I respect you and I love you so much. Believe me. तुझे लगता है मेरी गलती है? कोई बात नहीं प्रगति, गोइंग फॉरवर्ड स्पेशली आज के इंसिडेंट के बाद मुझे प्रगति पे भी ट्रस्ट नहीं है। आई एम सॉरी प्रगति, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड एनी मोर। द रीजन वाई आई एम सिटिंग हियर एंड स्टिल ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड बिकॉज यू मीन समथिंग टू मी। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और मेरी आंखें खुली और मुझे पता लगा मेरा कौन है और मेरा कौन नहीं है। बेबी प्लीज, मेरे को कभी ना अगली बार ऐसा झटका मत देना, ना मैं कोशिश करूंगी तुझे कोई झटका मिले। बट पूजा से जेन्युइनली बात करेंगे दोनों। लेट्स मीट एंड उसे बात करके एंड लेट्स अपोलोजाइज। I'll definitely apologize पूजा, and मैं तो दिल से करूँगी, और मान्या का मुझे नहीं पता जो उसकी life है fake है या real, I don't know, but I'm really very you know hurt. Hello दिशा। Hello मम्मी। काम कर रही है? हाँ मम्मी। तेरी life में और कुछ नहीं काले अक्षरों के बराबर? नहीं। देख मैं तेरे लिए कितनी अच्छी चीज लाई हूँ। क्या लाए हो? देख तो सही। मैंने जयपुर से अपनी फ्रेंड से ये दिशा के लिए एक सेट मंगवाया है थेवा ज्वेलरी का, क्योंकि मुझे इसके लिए अलग अलग टाइप की ज्वेलरी, साड़ी, ना जाने मैंने इसके लिए क्या क्या इकट्ठा किया हुआ जब से ये पैदा हुई है। दिशा यार तू शादी कर ले यार। यार मम्मी क्या है यार, क्या पूरा टाइम एक ही कॉन्वर्सेशन लगा के रखती है। तो यार एक बात बता रही है कि तू मतलब मैं ये भी मेरा माँ बाप का होते हैं, हमारा ये भी फर्ज नहीं है क्या? तू अपनी शादी की एज नहीं आ गई तेरी शादी की? नहीं है मम्मी, मुझे बार बार ये ज्वेलरी और कुछ कुछ सामान दिखाती रहती है, हर बार ये सब कुछ दिखाती है, उसके बाद दूसरी कॉन्वर्सेशन ये होती है कि शादी कर ले, ये सामान मुझे देना है, मैं थक गई हुई वो कॉन्वर्सेशन करते करते। हमारे को तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री करना। ये क्या बकवास बात कर रहे हो आप? जब से तू पैदा हुई कपड़ा तब से सामान जोड़ जोड़ के पागल हो गई हूँ। तू ऐसे क्यों करती है बेटा हमारे साथ? हाँ तो क्या हो गया? मेरा भी बहुत मन था कि मैं ये करूँ वो करूँ, फिर मेरा भी मन है तो मैं भी वो कर रही हूँ जो मेरा मन है। दिशा का रिएक्शन एवरग्रीन जैसे रहता है हमेशा ही, ओहो मम्मी आपके पास तो इसके अलावा कोई और कॉन्वर्सेशन ही नहीं है, मतलब इतना ज्यादा बनती है अपने आप को, मन तो करता है पकड़ के कमरे में कितना इसको पीट दूं मैं। यार मैं नहीं करूंगी यार, हर बारी की बात होगी आपकी। तो हर बारी की तो एक बार कर लेना फिर, जब हर बारी की बात है। मैं नहीं करना चाह रही ना, क्यों आप परेशान करके रखा हुआ है आपने मुझे? मेरे को गलती बताओ ना क्या है अब हर चीज। गलती तेरी एज है, गलती है तेरी एज, शादी एज में गलती हो गई, मतलब मैं काम कर रही हूँ, मैं कुछ ऐसा थोड़ा कर रही हूँ यार। जब तेरे को एक ही बार शुरू कर रखी है आपने, मेरी तबीयत भी इतनी खराब हो रही है, तेरे को पता है क्या कुछ? यार मैं जा रही हूँ, पता नहीं जब इतना स्ट्रेस हो रखा है लाइफ में यही बातें करती रहती है कि शादी कर ले, तो उसका वे आउट यही है कि मैं बस उठ के यहाँ से निकल जाती हूँ। ढंग के बच्चे भी नहीं दे रखे भगवान ने। मेरी फ्रेंड छोटी जो एज की है वो ये बोलते है कि छोटे छोटे बच्चे में बड़े परेशान है, बट मैं उनको कैसे समझाऊं कि इतने बड़े बच्चे भी कितनी परेशानी देते हैं। अभी देखो इनकी इसकी शादी की एज है और ये शादी को मना कर रही है, अब कैसे इसको समझाऊं बताओ। आज हमारा फैमिली डिनर है और ये डिनर मैंने इसलिए रखा क्योंकि मेरी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी होती है। लोग नॉर्मली रोते हैं और फिर याद करते हैं अपने माँ बाप को या कोई भी जिसकी भी डेथ हुई हो, बट मुझे लगा इससे हम कुछ डिफरेंट करें जो मम्मी को भी अच्छा लगे वहाँ देख के।
सोना ने अपने फैमिली डिनर में कोई फ्रेंड उसके इनवाइटेड नहीं थी, शी जस्ट इनवाइटेड मी. आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड, सो टच्ड एंड सो हैप्पी कि उसने मुझे अपनी फैमिली की जगह पे रखा. मम्मी को हम लोग बहुत मिस करते हैं सभी. वी वर सो अटैच्ड टू हर, हर चीज में हमें उनकी हेल्प लेनी होती थी, एवरीथिंग रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग अवर वर्क, इमोशनल सिचुएशंस. मम्मी वाज ऑलवेज देयर फॉर अस, ऑलवेज. पहले मेरे साथ हुआ कि मैं कोरोना आ गया और फिर उसके बाद रश्मि के साथ भी यही हुआ. माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है. और आई थिंक जिनके पेरेंट्स हैं उनको अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स चले जाते हैं ना तब हम पछताते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स नहीं हैं अब साथ में. आई कैन सो वेल रिलेट टू सोना बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज जस्ट आई वाज 6. तब शायद मैंने अपनी मम्मा को इतना मिस नहीं करा होगा, पर आज मैं अपनी मॉम को बहुत मिस करती हूँ. कोई तो हो जिससे आई कैन यू नो आई कैन टॉक माय हार्ट आउट. रश्मि को इमोशनल बिकॉज शी वाज वेरी यंग व्हेन हर मॉम पास्ड अवे. कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का बहुत दुख था कि मैंने मम्मी का सुख देखा ही नहीं. है ना, आई नो आई एम ऑलवेज देयर. बड़ी बहन माँ जैसी होती है. यस यस. यू नो व्हाट, इन दिस शो आई फाउंड सोना. हर चीज में ये शी मेड मी फील सो स्पेशल, एज इफ आई एम अ फैमिली, नॉट अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, आई एम अ फैमिली. सो ऑलवेज देयर फॉर यू.